जीमेल अकाउंट को आप अपने फोन से लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, यही चीज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने फोन से जीमेल अकाउंट को लॉग आउट या फिर रिमूव क्यों करना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा आप इसलिए वीडियो देख रहे हो। देखो, जीमेल अकाउंट को फोन से लॉग आउट करना बहुत ज्यादा आसान है, बस उसके लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है या फिर ऐसा करो कि ये वाली वीडियो किसी और फोन में चला लो और मेरे साथ साथ ये स्टेप्स करते जाओ। और अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये स्टेप्स कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने सारे लोग मेरे साथ साथ ये स्टेप कर रहे थे। तो हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे जीमेल में, तो मैं जीमेल को सर्च कर लूंगा। यहाँ पे जीमेल हम सर्च करेंगे तो हमें जीमेल की ऐप देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आपके फोन में एक फोल्डर भी होता है, ये वाला, ये गूगल वाला, इसके अंदर भी आपकी जीमेल ऐप होती है, ठीक है। तो आप दो तरीके से कैसे भी जीमेल में जा सकते हैं, तो हम लोग जीमेल की ऐप को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें सारी जीमेल्स दिख जाती हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास इतनी सारी जीमेल है। ये देखो, एक अकाउंट है, दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, चार अकाउंट है, लेकिन मुझे ये वाले अकाउंट को लॉग आउट करना है किसी कारणवश, ठीक है। जो भी आपका कारण है लॉग आउट करने का, वो तो आप कमेंट कर ही देंगे। अगर अभी तक कमेंट नहीं करा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मुझे ये वाली जीमेल को अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, आप वीडियो ध्यान से देखते रहना। देखो, आप में से कई लोग हटाने को या लॉग आउट करने को डिलीट समझ लेते हैं, तो डिलीट का प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, आपको ये वाली जीमेल को डिलीट करना है, याद रहे अगर आप डिलीट करेंगे तो आपकी जीमेल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी और उसका डेटा भी रिमूव हो जाएगा। इस पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। ये गूगल अकाउंट करके जो ऑप्शन है, इस पे हमें क्लिक करना होगा, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगा, तो इस तरीके का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम आ जाएंगे डेटा एंड प्राइवेसी में, एंड यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट वाला। ये देखो, डिलीट योर गूगल अकाउंट। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आप में से 90% लोग डिलीट नहीं करना चाहते, लॉग आउट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे जिस भी जीमेल को लॉग आउट करना है उसको यहाँ पे ऐसे स्विच कर लेना होगा, एंड उसका आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है नीचे मैनेज अकाउंट ऑन द डिवाइस, है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जरूरी भी नहीं है कि आप वही वाली जीमेल स्विच करो, आगे जाके हम डायरेक्टली वहाँ पे सिलेक्ट करके उसको रिमूव या लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, ये आपके फ़ोन में देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। एंड मेरा क्या है ना, डार्क मोड इनेबल है इसलिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपके में सब व्हाइट दिखेगा। मैं यहाँ से भले ही डार्क थीम हटा लेता हूँ ताकि आपको भी इस तरीके का यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस लगे। एक बार भले ही बैक कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ये देखो आपके फ़ोन में ऐसा दिखेगा मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा जिस भी जीमेल को हमें हटाना है। तो हमें ये वाली जीमेल को लॉग आउट करना है अपने फ़ोन से, मनी जेड करके ये वाली है, तो हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन हमें रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है और इधर से रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो ये वाली जो जीमेल है ये लॉग आउट हो जाएगी। चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे हमारी तीन ही जीमेल शो कर रही है, मनी जेड करके वो थी, वो रिमूव हो गई है। अब मैं आपको प्ले स्टोर में भी ले चल के बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आ जाते हैं हम, प्ले स्टोर कहाँ रहा हमारा, हम प्ले स्टोर में यहाँ पे आएंगे और प्ले स्टोर में आ जाते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर में आके मैं आपको ताकि अच्छे से और समझा सकूँ इसलिए प्ले स्टोर में भी हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ये देखो। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, देखो। इस पर मैं टैप करूंगा तो ये देखिए टोटल तीन अकाउंट्स है, जो हमारा मनी जेड वाला था वो हट गया है। तो अगर आपको वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।